तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों लवली इनू कॉइन से जुड़ी कुछ अपडेट्स आपके लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको हर एक अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की, तो आप देख सकते हैं लवली इनू अभी ट्रेड कर रहा है 0.000042 डॉलर पर, और 24 घंटे में अगर आप देखें तो ये 1.18% नीचे है। अगर लोएस्ट प्राइस की बात करें तो वो गया था 3.4 तक, हाईएस्ट की बात करें तो वो 4.4 तक गया है। मतलब काफी यहां पर अगर आप देखें तो रेड कैंडल्स आपको देखने को मिली, लेकिन उसके बाद यहां पर अगर आप देखें तो 7 तारीख को यहां पर ये थोड़ा ऊपर की ओर गया है, और अगर आज की बात करें तो आज भी थोड़ा ऊपर की ओर गया हुआ है। और दोस्तों अब कई लोगों को यहां पर ये लग रहा होगा कि ये कॉइन कैसे $1 दिसंबर एंड तक पहुंच सकता है, क्योंकि अगर ये लिस्टिंग नहीं करेंगे, जैसा कि ये एक्सचेंजेस पर लिस्ट जरूर हो रहा है, लेकिन अगर किसी बड़े एक्सचेंज पर ये बहुत जल्द लिस्ट नहीं होता है तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा दोस्तों कि ये दिसंबर तक $1 पर पहुंच जाए। वैसे तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, हम उतना सोच भी नहीं सकते, लेकिन 10 पैसा भी पहुंच जाना मुश्किल हो जाएगा अगर ये लगातार लिस्टिंग्स नहीं करते। क्योंकि अगर हम बर्निंग की बात करें तो बर्निंग तो ये लगातार कर रहे हैं, और अगर हम यहां पर बर्निंग की बात करें तो 11 तारीख मतलब आज ही के दिन यहां पर और 5 ट्रिलियन कॉइंस को बर्न किया जाएगा। अगर टोटल सप्लाई देखें तो 80 ट्रिलियन है, लगातार बर्निंग करके ये सप्लाई को धीरे धीरे खत्म जरूर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यहां पर दोस्तों अगर इसके प्राइस को बढ़ता हुआ देखना है, टीम को लवली इनू कॉइन को नए नए एक्सचेंजेस पर लिस्ट भी करना होगा। अगर हम बात करें दोस्तों अपडेट्स की, तो आप यहां पर देख सकते हैं बीट मार्ट पर लवली इनू पहले से ही अवेलेबल है, और यहां पर बीट मार्ट ने एयर ड्रॉप भी निकाला था, जहां पर अगर आप वहां से लवली इनू कॉइन की ट्रेडिंग करते हैं तो आपको वहां पर लवली इनू कॉइन मिल सकते थे जो गिव अवे रखा गया। अगर हम यहां पर देखें दोस्तों तो यहां बीट मार्ट के द्वारा जो टॉप कॉइन्स है उनमें आप देखेंगे लवली इनू कॉइन भी आपको दिखाई देगा, और यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों तो आज के दिन बर्निंग होने वाली है, अभी तक कोई बर्निंग नहीं हुई है, और आप यहां पर टोटल सप्लाई भी अभी देख सकते हैं जो 80 ट्रिलियन ही है। अगर होल्डर्स की बात करें तो वो तो लगातार बढ़ रहे हैं, लगभग यहां पर 19,000 होल्डर्स कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन होल्डर्स के बढ़ने से इसका प्राइस नहीं बढ़ेगा, इसका प्राइस तभी बढ़ेगा जब इसकी नई नई लिस्टिंग्स होगी, लगातार लिस्टिंग्स होगी, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर हम इनके विजन की बात करें तो दिसंबर तक इनका विजन रखा गया है इन्होंने, जहां पर ये कहते हैं कि ये $1 तक पहुंचाएंगे, तो वहां पर पहुंचाने के लिए बर्निंग तो हो रही है दोस्तों, लेकिन लिस्टिंग भी होना चाहिए, साथ ही किसी बड़े सेलिब्रिटी का सपोर्ट यहां पर इसे मिलना चाहिए, तब जाकर आप देखेंगे इसका प्राइस अच्छा खासा बढ़ेगा। वरना आप देख रहे होंगे इसका प्राइस डंप भी हो रहा है, पंप जरूर होता है लेकिन फिर डंप हो जाता है, और कई यहां पर ऐसे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो कॉइन को बाय करके निकल भी रहे हैं लॉस में। लेकिन अगर आपने इसे ज्यादा क्वांटिटी में खरीदा है तो थोड़ा आप इंतजार कीजिए, थोड़ा इसका जब प्राइस बढ़ेगा तब ही जाकर आप इसे सेल कीजिए, वरना दिसंबर तक आप इंतजार कर भी सकते हैं दोस्तों। अगर आप यहां पर वो पैसा लगा रहे हैं जिसके डूबने से आपको पैनिक नहीं है तो बिल्कुल आप वहां पर होल्ड करके रखिए। तो दोस्तों और कोई भी अपडेट निकल कर आती है लवली इनू कॉइन से जुड़ी हुई तो हम आपको जरूर बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।